राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश कर रहा उनको नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बापू को राजघाट पर दी श्रद्धांजलि। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर राहुल ने ट्वीट कर किया बापू को याद। राहुल गांधी ने इशारों में बीजेपी से लेकर आरएसएस को अपने निशाने पर ले लिया। ट्वीट में लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी की जान ली थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच छिड़ा ट्विटर वॉर। योगी ने ट्वीट कर कहा तमंचावादी, तो जवाब में अखिलेश ने बीजेपी पर अपराधियों को टिकट देने का लगाया। चौधरी ने अमित शाह की चिंता पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा देश के बड़े नेता मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं, अच्छा लगता है, इसका मतलब है मैं ठीक ही कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के पहले मन की बात कार्यक्रम के जरिए आज देश को किया संबोधित। पीएम मोदी ने मन की बाट के जरिए भी किया चुनाव प्रचार। पीएम ने जाट राजा महेंद्र प्रताप को किया याद। VHU का भी जिक्र करना नहीं भूले पीएम मोदी, साथ ही उत्तराखंड और मणिपुर का भी किया जिक्र। त्रिपुरा के बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने कहा त्रिपुरा में कोई लोकतंत्र नहीं, लोगों का घुट रहा है दम। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। एक्सप्रेसवे कार और कंटेनर की जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोगों की गई जान। मौके पर पहुंची पुलिस जाँच में जुटी। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के हाथ लगी बड़ी सफलता। अलग अलग मुठभेड़ में जैश कमांडर जाहिद वानी समेत 5 आतंकियों को किया ढेर। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। वैज्ञानिकों ने कहा ओमिक्रॉन से लड़ने में कारगर नहीं है बूस्टर डोज, खोजनी होगी नई वैक्सीन। देश में कोरोना से जान जाने वालों के फिर डरावने आंकड़े आए सामने। 24 घंटे में 893 लोगों ने तोड़ा दम। वहीं बीते 24 घंटे में 2,34,000 नए केस हुए।